नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाले हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021। तो दोस्तों उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले आपको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, उसके बाद कर लेना बेल आइकन का बटन भी दबा देना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है कक्षा नवीं जो आपका अर्धवार्षिक का गणित का दोस्तों पेपर होने वाला है, तो उसके क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, समय आपको 3 घंटे दिया गया है, पूर्णांक आपका 80 नंबर का दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आपको क्या पेपर को हल करना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए और अब मैं आपको आंसर भी बताते चलूँगा। बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर आप देखना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए skteach.com, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के जितने भी आपके 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक है सभी के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुपद 5x-4x² + 3 का मान x = 2 हो तो होगा। देखिए अगर एक्स बराबर हमें 2 मान दिया गया तो एक्स की जगह पर हमें यहाँ पर 2 रख देना और उसका मान हमें निकाल लेना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो 5 × 2 आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है। -4 यहाँ पर x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 4 कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे, +3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 और +3 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, 13 और -16 तो आपको क्या आ जाएंगे, -3 जो आपका रहेगा वो राइट आंसर रहेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। फिर आता है बाई अक्षय बिंदु P बराबर दिएगा 3-4 की लंबवत दूरी होगी। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए कहाँ पर मिलेंगे, एक तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया जैसे कि आपको पता चल जाए, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन देखिए सभी सरल है, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं। यहाँ पर 8 400 400 400, जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे आप अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। हम बताने -4 और -4, ठीक है, यानी कि जो चतुर्थांश के बारे में बताने, जो जिसमें दोनों नेगेटिव मान आते हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें नेगेटिव मान आते हैं, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शून्य बहुपद की घात आपको पता ही है, शून्य जो बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है, ठीक है, वो भी आपको पता ही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, बिंदु 7 - 6 की कोटि होगी, देखिए भुजा आपका पैर एक्स का मान भुज होता है, बाई का मान क्या होता है आपकी कोटि होती है, तो -4 आपकी कोटि हो जाएगी। इसी प्रकार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 9 में, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों के अगर आप आंसर देखना चाहते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आपको आंसर कहां पर देखने को मिलेंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है skteach.com, तो वहां पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपका मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम ID मिलेगी तो वहाँ से क्या आप मुझसे डायरेक्ट DM करके भी क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, सभी क्वेश्चन अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम वीडियो के माध्यम से भी आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं सभी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ओनली का एक मॉडल पेपर है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप अर्धवार्षिक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।